बोलेना जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति को। मैं इस क्लास में कंप्लीटली आपको समझाऊंगा, जितने भी मैं यहाँ पर फार्मूले बताऊंगा फार्मूले के साथ साथ आपको विद एग्जांपल भी मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। और इस चैप्टर को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को अगर आपने अच्छे तरीके से एक बार 10-15 मिनट आपने मेरी क्लास को देख लिया तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप पजल नहीं होगे एग्जाम में। शुरुआत करते हैं। एक आपका होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर अगर मैं बात करूं तो ये होता है हॉरिजॉन्टल इस टाइप से, और इस तरफ की बात करें तो ये पॉजिटिव होता है। एक्स यहाँ पर 1, 2, 3 पॉइंट लिख दिए तो ये क्या होते हैं प्लस के होते हैं सारे के सारे। इस तरफ एक्स को एक्सिस में क्या होते हैं ये नेगेटिव होते हैं -1, -2, -3 इस तरीके से। ये वाई एक्सिस होता है यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव होते हैं तो ये बात करेंगे +1, +2, +3, और नीचे की बात करें तो ये होता है वाई एक्सिस क्या होता है नेगेटिव होता है -1, -2, -3। यहाँ तक बात ठीक है। ये होते हैं आपके क्वाड्रेंट, चतुर्थांश बोलते हैं इसको, ठीक है। 1, 2, 3, 4 चार क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसमें एक्स और वाई दोनों प्लस के होते हैं। यहाँ पर x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है। इस थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर x नेगेटिव होता है y नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए कि 5 और -2 ये दो बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर, ये बताना है किस क्वाड्रेंट में स्थित है, तो देखो इसको हम हमेशा एक्स मानेंगे, इसको मानेंगे वाई। तो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर आपको पता है प्लस का कौन सा है माइनस का कौन सा है। यहाँ पर एक्स प्लस का है तो ये एक्स प्लस का है, वाई माइनस दो है, यहाँ पर वाई क्या है माइनस का है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इसका आंसर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में शामिल है, स्थित है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसके बाद आपका एक फार्मूला बनता है डिस्टेंस का, जो फार्मूला नंबर 1 की बात करें तो ये है आपका डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, और विद एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है। देखो मान लीजिए यहाँ पर ये है ए और बी, दो बिंदु दे देता है, ये बिंदु ए है ये बिंदु बी है, और इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो है x1 और y1, ठीक है। और यहाँ पर दे रखे हैं x2 y2, किसी को भी मान सकते हैं हम। x1 x2 y1 दे रखे हैं 5, 2, और x2 y2 दे रखे हैं 3, 4, ठीक है। इस तरीके से दो बिंदु है, इसको मैंने x1 y1, किसी को भी मान सकते हो अपने हिसाब से, आंसर आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है ना, ए और बी के डिस्टेंस निकालने हैं, ध्यान से समझना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। एक्स वन में से एक्स टू माइनस कर देना और इसका स्क्वेयर करेंगे, प्लस में वाई वन में से वाई टू का माइनस करेंगे और इसका स्क्वेयर कर देंगे और इसका अनरूट कर देना, डायरेक्ट यहाँ से ए और बी की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक्स वन कितना है 5 है, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे फिर इसका स्क्वेयर कर देना है, प्लस में वाई वन कितना है वाई वन दे रखा है 2, तो 2 में से 4 माइनस करेंगे फिर इसका स्क्वेयर कर देंगे और इसको अनरूट कर देना। यहां से क्या आ जाएगी ए और बी की डिस्टेंस आ जाएगी, कितना आएगा देखो 5 में से 3 गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस में 2 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 और पॉजिटिव है यहाँ पर देखो 2 है ना, सम संख्या है, पावर सम है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और 4 और 4 कितना होता है 8, 8 अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, तो ये आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप सीधा सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, डिस्टेंस बतानी होती है यहाँ पर, ए और बी बिंदु दे रखे होंगे यहाँ पर इस तरीके से, एक्स और वाई वन यहाँ पर दे रखे होंगे 2 पॉइंट, और डायरेक्ट आपने ये फार्मूला यूज करना है और इस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल दे। फार्मूला नंबर 2 की बात करते हैं। फार्मूला नंबर 2 है सेक्शन फार्मूला, विभाजन का सूत्र पर डिपेंड करता है। यहाँ पर सेक्शन फार्मूला में क्या करते हैं, दो तरीके की बात होती है यहाँ पर। एक तरीका तो ये होता है जिसको क्या करते हैं अंतः विभाजन बोलते हैं, अंतः इंटरनल डिविजन, अंतः विभाजन, और एक को बोलते हैं बाह्य विभाजन, ठीक है, अंतः विभाजन, और जो दूसरा होता है इसका पार्ट वो होता है बाह्य, एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर निर्देशांक निकालने होते हैं और अनुपात में उसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। जैसे कि हम सीधा डायरेक्ट बात करें तो एक्स निर्देशांक अंतः विभाजन है, तो कैसे निकालेंगे, एम इंटू एक्स वन सॉरी एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस में एन, और y जो निर्देशांक होगा वो निकलेगा m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन m प्लस में n। अगर अंतः विभाजन की बात करता है तो आपने ये फार्मूला यूज करना, प्लस का निशान है, और यहाँ पर बाह्य की बात करें तो सेम, बस सेम है फार्मूला, और बस यहाँ पर प्लस का था तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, m इंटू एक्स टू माइनस n इंटू एक्स वन अपोन में m माइनस n हो जाएगा, और y निर्देशांक निकालेंगे तो m इंटू वाई
टू माइनस एन इंटू वाई वन अपॉन एम माइनस एन है, एम माइनस एन, बस यहां पर प्लस का है और यहां पर माइनस का है। अब इसके ऊपर डिपेंड जो सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट उस सवाल पर चलते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूले के दो पार्ट है, एक तो ये है अंतर्विभाजन, एक बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। फार्मूला मैंने बता दिया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु दो पांच और एक दो को जोड़ने वाले रेखाखंड का दो अनुपात एक के अनुपात में आंतरिक विभाजन करता है। जहां पर आंतरिक विभाजन की बात करें, अंतर्विभाजन की बात करें, तो प्लस का निशान यहां पर आता है। तो यहां पर देखेंगे दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट कौन से हैं, दो पांच है और एक दे रखा है आपका, एक और दो दे रखा है। इसको किस अनुपात में डिवाइड करता है? दो अनुपात एक के अनुपात में डिवाइड करता है रेखाखंड को, ठीक है। तो हम बताना निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इस पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इसको एक्स और वाई मानते हैं, निकालना है ये एक्स और वाई। एक्स कैसे निकालते हैं? आंतरिक विभाजन है तो इस तरीके से। दो रेशियो एक का मतलब है यहाँ पर दो की वैल्यू कितनी है, एम और एन का हम मानते हैं। यहाँ पर देखो एम रेशियो एन का मतलब होता है जिस अनुपात में विभाजन किया गया है, दो अनुपात एक में। बाकी इसको हम मान लेते हैं एक्स वन और ये हो जाएगा वाई वन, एक्स टू और ये वाई टू। फार्मूले में रख देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो कैसे यहाँ पर दे रखा है एम, एम कितना है दो, एक्स टू, एक्स टू कितना है वन, प्लस वन इंटू एक्स वन कितना है यहाँ पर है दो, और बटे में एम और एन को जोड़ देंगे यानी कि दो प्लस में वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दो एकम दो, फिर ये हो जाएगा चार बटे में तीन, एक्स निर्देशांक आ जाएगा चार बटा तीन। इसी प्रकार वाई निकाल देंगे, वाई का यही फार्मूला रहेगा, एम कितना है दो है, तो यहां से वाई निकाल देता हूं, ये हो जाएगा दो गुणा में वाई टू, वाई टू कितना है यहां देखेंगे दो, तो ये लिखेंगे दो प्लस एन है वन इंटू वाई वन कितना है पांच है, तो यहाँ लिख देते हैं पांच और बटे में दोनों का योग यानी कि टू प्लस वन एम प्लस वन, तो ये जगह दो दूनी चार प्लस में पांच कितना हो जाएगा नौ बटे में तीन, तीन से काट देना, तो यहां से वाई निर्देशांक आ जाएगा तीन। तो एक्स निर्देशांक कितना आया चार बटा तीन, वाई कितना आ गया तीन, तो एक्स और वाई निर्देशांक चार बटा तीन और तीन, यह आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला हमने कर लिया है डिस्टेंस निकालने वाला, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमने निकाला है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले के दो पार्ट मैंने बताए हैं, एक अंतर्विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन होता है। अंतर्विभाजन में ये फार्मूला और बाह्य विभाजन में सिर्फ क्या फर्क है, इसमें माइनस और प्लस का फर्क है, ठीक है। सवाल मैंने बता दिया किस टाइप से आएगा, इस तरीके से सवाल आता है, तो ऐसे हल कर देना, इस फार्मूले को याद रखना। अब बात करते हैं फार्मूला नंबर तीन की, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। मैं जितनी भी चीजें आपको करवा रहा हूँ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और वही चीज करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अदरवाइज आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा लेंथी होती है, आप कितने भी आप टाइप और क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन हमने सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो सिर्फ एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला नंबर तीन कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस एक्स टू बटे में दो, वाई प्लस वाई टू बटे में दो। डायरेक्ट सवाल पर आते हैं, बिंदु दे रखे हैं तीन और पांच, माइनस तीन और पांच और आठ और माइनस वन के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। जैसे ये बिंदु दे दिया, ठीक है, इस तरीके से ये कोई पॉइंट है और यहां दे रखा है बिंदु तीन, माइनस तीन और पांच, एक है आठ और माइनस वन, तो बताना है मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। इसके यहां पर बिल्कुल एक सेंटर में ये मध्य बिंदु है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे यानी कि एक्स वाई क्या होंगे। तो इसको हम एक्स वन मानते हैं, इसको वाई वन मानते हैं, एक्स टू और ये वाई टू। फार्मूला आपको पता है, डायरेक्ट मध्य बिंदु निकाल देना, तो एक्स क्या हो जाएगा यहां पर देखेंगे, ये एक्स निर्देशांक, ये वाई निर्देशांक, इस तरीके से निकालते हैं। x कितना है, x है आपका ये रहा x1, ठीक है, x1 y1, x1 कितना है माइनस का तीन है, प्लस अगर हम बात करें फार्मूले में x2 कितना है आठ और बटे में करना है दो। इसी प्रकार ये तो आ जाएगी x निर्देशांक, और y निर्देशांक कैसे आ जाएगा, y1, y1 कितना है पांच, और पांच प्लस में करेंगे y2, ये माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, बटे में करेंगे दो, ये हो जाएगा यानी कि चार बटे में दो, दो दूनी चार, तो y निर्देशांक कितना आ जाएगा टू, और ये हो जाएगा पांच बटे में दो, x निर्देशांक आ जाएगा पांच बटा दो। तो यहां से x निर्देशांक की वैल्यू आई है पांच बटे दो और y की वैल्यू आई है दो, इस तरीके से आपने निकाल देना है, ये आंसर बन जाएगा। अब बात करते हैं दो लाइनें, दो लाइनें हमेशा देखो ये दो लाइनें हैं, कोई भी या तो एक दूसरे को काटेंगी इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी, या दो लाइनें दे रखी हैं या तो फिर वो समानांतर होंगी, इस तरीके से वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो समानांतर होंगी। और अगर हम बात करें दो लाइनें या फिर एक दूसरे के ऊपर, वो क्या होगी, ऐसे ओवरलैपिंग होगी। तीन कंडीशन बनती हैं, अगर दो लाइनें दे रखी हैं तो दो लाइनों में सिर्फ आपकी हमेशा तीन कंडीशन बनेंगी, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो आपके पैरेलल होंगी या फिर वो क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। यहां से आपका क्वेश्चन स्टेट में भी पूछा जाता है। अगर हम बात करें, इसको ध्यान से समझना है, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तब क्या होगा,
अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका हल होता है एक यूनिक सॉल्यूशन, क्या होगा उसका, एक सॉल्यूशन होगा। अगर वे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं यानी पैरेलल हैं तब उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसका हल क्या होगा, जीरो। अगर वे ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के ऊपर तो उसका हल हो जाएगा इन्फिनिटी। ये तीन बातें याद रखनी है, ठीक है, इसको नोटबुक में नोट कर लेना। अगर इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइनें तो एक हल होगा, यूनिक हल होगा, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो वो लाइनें पैरेलल होगी तो हल होगा जीरो हल होंगे, और अगर ओवरलैप करती हैं तो इन्फिनिटी हल होंगे, इस तरीके से। अब पता कैसे चलेगा कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, ओवरलैप कर रही हैं या आपकी समानांतर है, इसका तरीका क्या है पता लगाने का। लाइन दे रखी है, मान लीजिए दो लाइनें हैं इस फॉर्म में, एक्स वन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। अगर हम बात करें ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस ये दे रखा है सी टू, ये दे रखा है जीरो के बराबर, ये दो लाइनें दे रखी हैं, ठीक है। इन दो लाइनों में से हम पता करेंगे कि दो लाइनें आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल हैं या ओवरलैपिंग हैं। इनफैक्ट तरीका क्या होता है, पहला इंटरसेक्ट का देखते हैं। इंटरसेक्ट अगर करती है तो क्या हो जाएगा, ए वन और ए टू को इस तरीके से लिखेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी वन अपॉन बी टू के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे, यानी कि ये बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये लाइन क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, इस तरीके से। अगर ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं है बी वन अपॉन बी टू के तो ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर ए वन और ए टू को डिवाइड करते हैं ये बराबर आ जाता है बी वन और बी टू के, ध्यान से समझना है। अगर ये बराबर आ जाते हैं ना तो फिर हम सी वन सी टू को भी देखेंगे, सी वन और सी टू को भी चेक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगर C1 और C2 इसके बराबर नहीं आता है B1 upon B2 के, इस तरीके से ये बराबर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लाइनें क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। C1, देखो दो लाइनें A1 upon A2, B1 upon B2 अगर बराबर आ जाते हैं तो C1 upon C2 को चेक करना है। C1 और C2 क्या हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो आ जाएगा समानांतर। तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए वन अगर ए टू अगर बराबर है बी वन अपॉन बी टू के और सी वन और सी टू भी बराबर, तीनों बराबर हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, लाइन करती हैं ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, ये वाली कंडीशन यहां पर अप्लाई होती है, ठीक है। ये चेक करने का है कि दो लाइनें दे रखी हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल है या ओवरलैपिंग है, ये उसको चेक करने का तरीका होता है। अब हम बात करते हैं किसी भी त्रिभुज के सेंट्रोइड केंद्र के निर्देशांक हम कैसे निकाल सकते हैं। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, या फिर यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं ए बी और सी और निर्देशांक निकालने हैं कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। डायरेक्ट आपने इस फार्मूले को याद रख लेना है, एक्स कोऑर्डिनेट इस तरीके से आएगा, वाई कोऑर्डिनेट इस तरीके से आएगा। इस पर बेस्ड सवाल दे रखा है, किसी त्रिभुज के शीर्ष यानी कि वर्टेक्स दे रखे हैं, ये वाले वर्टेक्स होते हैं ये शीर्ष, ठीक है, ये दे रखे हैं दस और सात। तो हम एक त्रिभुज और बना लेते हैं सेम टाइप की, ये हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है दस और सात, और बी की जो वैल्यू दे रखी है वर्टेक्स ये दे रखा है नौ पांच, नौ पांच, और सी दे रखा है पांच और छह। इसको एक्स वन, इसको वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, इस तरीके से। और निकालने क्या है, इसके केंद्रक निकालना है, केंद्रक मतलब एक्स और वाई हम मान लेते हैं, ये निकालना है। और आपको पता है एक्स इस तरीके से निकालना, वाई इस तरीके से, एक्स वन क्या है दस, तो x कैसे निकाल देंगे, इसको जोड़ेंगे 10, 9 और 5, 10 और 9 19, और ये हो जाएगा 24, और बटे में डिवाइड किससे करेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड, 3 8 है 24। x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 8। y भी इसी प्रकार निकालेंगे, इसको जोड़ देंगे 7 और 5 12, 7 और 5 12 प्लस में 6 18 बटे में 3, तो 18 बटे में 3 6 18, 8 और 6, ये आ जाएंगे निर्देशांक, इस तरीके से हमने निकाल देना है। आज हमने सीख लिया है डिस्टेंस निकालना, दो बिंदुओं के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला मैंने बताया आपको। उसके बाद बताया मैंने आपको विभाजन का सूत्र, सेक्शन फार्मूला बताया है। सेक्शन फार्मूले में आपके दो टाइप के बनते थे, एक तो अंतर्विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन होता है, मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं। और इसके बाद मैंने बताया है लाइन, दो लाइनें इंटरसेक्ट कैसे करती है, ओवरलैप कैसे करती है, और उसको ओवरलैपिंग है या इंटरसेक्ट, पैरेलल है, समानांतर है या इंटरसेक्ट है, उसको ज्ञात करने का तरीका भी मैंने बताया है। उसके बाद हमने मध्य बिंदु निकाला है कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने सेंट्रोइड किसी भी त्रिभुज का केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, वो चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। तो इसके बाद मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा अंतः केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं किसी त्रिभुज के, और आपको स्लोप, जहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्लोप से हर बार पूछा जाता है स्टेट में भी,
और स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के तीन फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, तीनों तरीकों से आप स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अंतःकेंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं और स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कमेंट में लिख देना। जय भोलेनाथ।